तो आज का ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों का एमएसटी सीईटी में परसेंटाइल कम है और वो चाहते हैं कि हमें कम परसेंटाइल में पूना का अच्छा कॉलेज मिले सीएस और आईटी के हिसाब से। तो जो बच्चे चाहते हैं भाई कि हमें सीएस और आईटी ब्रांच आसानी से मिल जाए वो भी अच्छे कॉलेज में और जिस कॉलेज का परसेंटाइल कम हो, तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है। और आज से कुछ वक्त पहले मैंने सेम इसी टॉपिक पे मैंने पूना पर भी वीडियो बनाया था जिस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और आप ही ने मुझे डिमांड की थी कि सर मुंबई पर आप इसी तरह का वीडियो लेकर आए, तो आप ही की डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर कवर करेंगे आपकी फ़ीस, इस कॉलेज की हम फीस कवर करेंगे, उसका कट ऑफ कवर करेंगे और साथ ही मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी होने वाली है। अगर आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितना प्लेसमेंट मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। इन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करजात मुंबई। तो ये कॉलेज मुंबई में ही है, मुंबई के करजात इलाके में। और अगर हम इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करें फॉर ओपन कैटेगरी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72.28 यहाँ पर आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। और इस कॉलेज की अगर हम फीस पक की बात करें तो ये लास्ट ईयर फीस का मैं डेटा बता रहा हूँ, फिलहाल तो अभी वेबसाइट पर कुछ चेंजेस हुए नहीं है। तो इसकी फ़ीस होने वाली है आपको करीब करीब 80 से 1 लाख के बीच आपको उस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, आप चाहो तो इस कॉलेज पर जाकर विजिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए सर कि 72 के परसेंटाइल के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी हो रहने वाली है। तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 2 लाख के आसपास होने वाला है और हाईएस्ट पैकेज भी इसका 2 से 2.5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख। अब जो बच्चे चाहते हैं भाई हमें किसी हमें एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में, हमें प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर डिग्री चाहिए तो आप तभी मैं आपको कहूँगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले। अगर आप इस कॉलेज में सीएस या आईटी के हिसाब से अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और उसके बाद में अगर आप जब ऑफ कैंपस आप जाओगे तो आपको स्किल के बेसिस पर भी जॉब मिल सकती है। तो ऐसा नहीं भाई कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो तो आपकी प्लेसमेंट के चांसेस, आपके जॉब के चांसेस कम हो जाएंगे। तो देखिए भाई अगर आप को परसेंटाइल कम है और आपको एनी हाउ इस साल एडमिशन लेना है तो आप इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। और अगर आप जो बच्चे सिविल और मैकेनिकल के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन अगर आप सीएस आईटी के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो दूसरे नंबर पर हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई। और इस कॉलेज का कट ऑफ होने वाला है 73.95। तो ये गाइस ये लास्ट ईयर कट ऑफ है और इस ईयर का कट ऑफ शायद इस बार बढ़ जाए क्योंकि ये कॉलेज ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बेहतर है। और अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट के मामले में भी ये कॉलेज इससे बेहतर होगा। और अगर हम इस कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 90 से लेकर 1 लाख के बीच इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है अंजुमन कलिस्कर टेक्निकल कैंपस पनवेल। तो ये भी बढ़िया कॉलेज है इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर आप सीएसआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है आपको 80 से 90 हज़ार के बीच इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। और यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है 78% और अदर होम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कट ऑफ है 61.70। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है सीएसआईटी के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर मैकेनिकल और सिविल भी लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी कॉलेज बेस्ट है। तो जो बच्चे चाहते हैं भाई अगर सीएसआईटी में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल या फिर सिविल में भी यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद हमने चौथे नंबर पे जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है शिवाजी राव जोंधाले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डोंबिवली मुंबई। और इस कॉलेज की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। इस कॉलेज की फ़ीस है 1,20,000 और इस कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी रैंक है 80.76 का कट ऑफ है फॉर होम यूनिवर्सिटी ओपन। और जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बिलोंग करते तो हैं उनको कट ऑफ कम है 54.09। तो ये लास्ट ईयर कट ऑफ है। और अगर हम इस कॉलेज की कैंपस की बात करें तो उसका 2 लाख उसका एवरेज पैकेज है और 4 से 5 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जा सकता है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ एंड लास्ट ईयर डेटा। तो यहाँ पाँचवें नंबर पर हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपार खैरानी नवी मुंबई। तो इस कॉलेज का कट ऑफ होने वाला है आपको 76.98 फॉर ओपन कैटेगरी और इस कॉलेज की फ़ीस आपको लगभग होने वाली है 1 लाख रुपये। तो आप चाहो तो इस कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कॉलेज सीएस और आईटी के हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, तो आप चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हो।
इसके बाद छठे नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है एक्सक्लूसर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड स्टडीज रिसर्च कोपरी ठाणे। तो ये भी मुंबई का कॉलेज है और इस कॉलेज की फ़ीस आपको होने वाली है 1,35,000 और इसका होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ है 83.44 और अदर होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ है 66.75। तो ध्यान रखिएगा इस आपको कट ऑफ पीडीएफ में जाके चेक करना है। इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सभी कॉलेज का कट ऑफ एक बार चेक करना है। अगर आप एससी ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हो और इसके बाद में आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लेके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर हो सके तो आप उस कॉलेज में विजिट भी कीजिए अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो। इसके बाद सातवें नंबर पर हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कामोटे नवी मुंबई। इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है आपको 81.762 यानी कि आपको 81,762 इसकी कॉलेज की फ़ीस होने वाली है। और अगर हम इसकी ओपन कट ऑफ की बात करें तो फॉर होम यूनिवर्सिटी 84.42 इसका कट ऑफ होने वाला है और अदर होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ होगा आपको 80.08। ज़्यादा जानकारी के लिए आप भाई वो पीडीएफ देख सकते हो, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो इस कॉलेज में तो आप ले सकते हो। इस कॉलेज का आपको प्लेसमेंट होगा करीब करीब आपको 2 लाख इसका एवरेज पड़ेगा और इसका एवरेज हाईएस्ट पैकेज आपको 5 से 6 लाख तक जाएगा। तो आठवें नंबर पर हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है वसंत दादा पाटिल प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड विजुअल आर्ट मुंबई और इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली आपको 1,82,000 और इस कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी रहेंगे फॉर ओपन कैटेगरी 86.79 और अदर देन होम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 77.38 फॉर सीएस एंड आईटी। अगर आप इस कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और साथ ही जो लास्ट ईयर कट ऑफ है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पर आईटी का देख सकते हो और आप चाहो तो वहाँ पर सिविल और मैकेनिकल का भी चेक कर सकते हो। तो नवे नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है एपी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठाणे और इस कॉलेज की फ़ीस है 1,37,000 और अगर हम इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो 87.30 होम यूनिवर्सिटी रैंक और जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हो 72.57। अब जिन बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो उन्हें मैं बता दूँ होम यूनिवर्सिटी मतलब अगर आप मुंबई के ही रहने वाले हो और अगर आप इसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो ये आपके लिए होम यूनिवर्सिटी हो गई और अगर आप पुणे के रहने वाले हो और मुंबई में एडमिशन चाहते हो तो आप हो गए अदर देन होम यूनिवर्सिटी के। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इस कॉलेज में अगर आप सीएस अगर आप इस कॉलेज में आईटी के लिए एडमिशन चाहते हो तो आईटी का कट ऑफ सिविल का मैकेनिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सभी कट ऑफ यहाँ पर कम है। इस वीडियो के लिए इसके जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर सबके आईटी के कट ऑफ कम है। हाईएस्ट कट ऑफ आपको सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये तो मस्ट कॉलेज है सर, ये तो बढ़िया कॉलेज है मेरे हिसाब से। तो प्लेसमेंट की आप बात करो यहाँ पर या फिर टीचिंग लेवल या फिर स्किल लेवल की बात करें तो ये तो बेस्ट कॉलेज है। इस कॉलेज में आप चाहो तो यहाँ पर सिविल भी ले सकते हो और मैकेनिकल भी ले सकते हो। इस कॉलेज में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और यहाँ पर प्लेसमेंट जॉब टीचिंग सब कुछ ठीक ठाक है। तो अगर आप चाहते हो तो इस कॉलेज की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और हो सके तो इस कॉलेज में आप विजिट भी कीजिए। तो दसवें नंबर पे आप देख सकते हो उषा मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई। तो ये भी बढ़िया कॉलेज है सी एस आर आई टी के हिसाब से। इस कॉलेज की फ़ीस आप देख सकते हो स्क्रीन पर 1,17,000 और ये इस कॉलेज का कट ऑफ आप देख सकते हो 88.75। तो यहाँ मैं बताता चलूँ ये कॉलेज वुमेन्स के लिए है, यहाँ पर मेल को एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स आपकी वीडियो देख रही है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ 11वें नंबर पे है अंजुमन इस्लाम एमएच सबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बायकल्ला मुंबई। इस कॉलेज की फ़ीस है 1,40,970 और इस कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी रहेंगे 88.66 और अदर देन होम यूनिवर्सिटी रहेंगे 82.24। तो ये भी सी एस और आई टी के सबसे अच्छा कॉलेज है, आप चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे जो बच्चे मुस्लिम माइनॉरिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी सीट्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो मेक श्योर आप एक बार सीट अरेंजमेंट ज़रूर देखें इस कॉलेज का और साथ ही भाई इसका जो कट ऑफ है कट ऑफ का जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो मैंने पी डी एफ में दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाते ही आपको लिंक मिल जाएंगी तो आप वहाँ पर इसका कट ऑफ चेक कर लें।
और 12वें नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है, इस कॉलेज को तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सभी इस कॉलेज के बारे में जानते होंगे। रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बांद्रा मुंबई। इस कॉलेज की फ़ीस होने वाली है आपको 98,000 और इस कॉलेज का आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ 92.42 और अदर देन होम यूनिवर्सिटी रैंक है 90.22 फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, ये तो मस्त कॉलेज है। तो मेक श्योर अगर आपका परसेंटाइल 90 के आसपास है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ये लास्ट ईयर जो कट ऑफ हुआ था, लास्ट ईयर में जो कैप राउंड 1 का ही कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, और कैप 2 का अगर आप कट ऑफ की हम बात करें तो कैप 2 का कट ऑफ से थोड़ा कम हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 92 दिया हुआ है तो 88-89 तक जा सकता है। तो जो बच्चे इस कॉलेज में ट्राई करना चाहते हैं तो वो कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। तो अगला वीडियो पूना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर होगा। जो बच्चे चाहते हैं भाई कि जिन्होंने पूना के अच्छे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए कम परसेंटाइल में, तो अगला वीडियो मैं पूना के ऊपर लेकर आऊँगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस CS और IT के हिसाब से कम परसेंटाइल में जो बेस्ट कॉलेज है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और साथ ही जिन बच्चों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसी के अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मुंबई कॉलेज के ऊपर पार्ट 2 लेकर आओ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।